पिछले वीडियो में पार्ट वन में पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन का जनरल स्टडी किया था कि इसमें बेसिकली पॉपुलेशन बेस्ड एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि अलग अलग एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स का ग्रुप कलेक्टिवली एक साथ एक समूह में काम करे, मिलकर काम करे और अपने टारगेट तक इजीली पहुँच सके। तो उसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है। तो सेकंड पार्ट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका एल्गोरिथम कैसे काम करता है, स्यूडो कोड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएसओ सबसे पहले इनिशियलाइज होगा ग्रुप ऑफ रैंडम पार्टिकल्स के केस में, जैसे कि जो भी जैसे हमने यूज किया था बर्ड फ्लॉकिंग एग्जाम्पल, तो उसमें जो इंडिविजुअल बर्ड थी दैट वॉज बेसिकली वी कॉल्ड अ पार्टिकल। तो हमने इनिशियलाइज किया कि ग्रुप ऑफ बहुत सारी बर्ड्स हैं या फिश स्कूलिंग में बहुत सारी फिशेज हैं, या अपने किसी केस में हमने एलिमेंट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स को रेंडमली उनका एक ग्रुप बनाया। फिर हम उसमें जनरेशन को वन बाय वन अपडेट करते चलेंगे। तो डिफरेंट इटरेशन होंगे, हर इटरेशन में क्या होगा, हर पार्टिकल की दो बेस्ट वैल्यूज को अपडेट किया जाएगा। पहला होगा पी बेस्ट यानी पर्सनल बेस्ट। पर्सनल बेस्ट मतलब हर पार्टिकल का अपना एक पर्सनल वैल्यू होगी, एक फिटनेस वैल्यू होगी जो उसने अभी तक अचीव की हुई है। तो यहां पर भी जेनेटिक एल्गोरिथम की तरह एक फिटनेस वैल्यू है, हर पार्टिकल की अपनी एक फिटनेस वैल्यू है। हर इटरेशन में वो पार्टिकल अपनी फिटनेस वैल्यू को अपडेट करेगा, यानी कि जो टारगेट के जितना करीब होगा उसकी फिटनेस वैल्यू उतनी अच्छी होगी। एंड दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड पी बेस्ट, वो उसकी पर्सनल बेस्ट वैल्यू होगी। तो अगर वो टारगेट के ज्यादा करीब है तो उसकी जो पिछली पर्सनल बेस्ट वैल्यू थी वो अपडेट होके नई वैल्यू हो जाएगी। दूसरी जो बेस्ट वैल्यू है उसको हम ग्लोबल बेस्ट वैल्यू बोलते हैं। ये क्या होता है, ये पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे बेस्ड होती है, यानी कि जो हमारा पर्सनल बेस्ट है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल का है, ग्लोबल बेस्ट जो है वो पूरी पॉपुलेशन का है, यानी पूरी की पूरी पॉपुलेशन जितनी बर्ड्स हैं उन सारी बर्ड्स का एक कंबाइंड में से जो सबसे बेस्ट वैल्यू होगी जिसकी, दैट विल बी कॉल्ड जी बेस्ट। ठीक है, यानी जिसकी भी पर्सनल बेस्ट वैल्यू टारगेट के सबसे करीब है वो हमारा ग्लोबल बेस्ट हो जाएगा। तो ये दो बेस्ट वैल्यूज हमको ध्यान में रखनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है इन एवरी इटरेशन, जो भी इटरेशन चलती है। अब जब ये दो बेस्ट वैल्यू मिल गई तो क्या करेगा, पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी को और पोजीशंस को अपडेट करेगा, यानी बर्ड दूसरी जगह पे पहुंचेगी या बाकी पार्टिकल्स उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, हम जो पार्टिकल वेलोसिटी है उसको अपडेट करेंगे और जो प्रेजेंट है, जो करंट पार्टिकल की प्रेजेंट वैल्यू है उसको अपडेट करेंगे। तो उसके लिए दो स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि हमारे पास v एक एरे है, v इज वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी जो अपनी करंट वैल्यू में c1 और c2 दो हमारे पास लर्निंग फैक्टर्स हैं, जहां पर c1 और c2 हमेशा 2 होंगे, उनकी दो वैल्यू हमेशा रखी जाएगी। तो वेलोसिटी की उसी हिसाब से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहे हैं। प्रेजेंट जो है हमारा करंट पार्टिकल सॉल्यूशन है, जो भी हम करंट पार्टिकल पे काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू है, तो प्रेजेंट हमेशा जो हमने पिछली वेलोसिटी फाइंड आउट की है उस वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अपडेट होगा। तो लेट्स सी कि हम अगर फ्लो चार्ट क्रिएट करें तो क्या होगा। सबसे पहले हमने पार्टिकल्स को इनिशियलाइज किया, पार्टिकल जब इनिशियलाइज हो गए तो हमने फिटनेस वैल्यू हर पार्टिकल की कैलकुलेट करी। फिटनेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने पीछे देखा कि हम एक एक पार्टिकल की फिटनेस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि जो करेंट फिटनेस वैल्यू है वो पी बेस्ट से बेटर है, यानी उसकी पर्सनल बेस्ट वैल्यू से बेटर है। अगर है तो डेफिनेटली उसकी पर्सनल बेस्ट वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। नहीं है तो प्रीवियस वैल्यू को ही वो कंटेन करके रखेगा। ठीक है, तो ये पी बेस्ट यानी पर्सनल बेस्ट की बात हो रही है। आफ्टर दैट जो पर्सनल बेस्ट वैल्यू है वो ग्लोबल बेस्ट वैल्यू को अपडेट करेगी। तो उन सारी पी बेस्ट वैल्यूज में से जो सबसे बेस्ट वैल्यू है वो जी बेस्ट वैल्यू बन जाएगी और वो जी बेस्ट को असाइन हो जाएगी। फिर हम हर पार्टिकल के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कि किस वेलोसिटी में वो मूव करेगा, और हर पार्टिकल्स की वेलोसिटी वैल्यू को उसकी डेटा वैल्यूज के साथ अपडेट करेंगे। फिर हम ये फाइंड करेंगे कि क्या हम टारगेट पे पहुंच गए हैं, हमारा टारगेट वही है जो उनकी वेलोसिटी वैल्यू है, या फिर हमारा मैक्सिमम ईपो रीच हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदरवाइज फिर से ये इटरेशन आपका मूव करेगा, फिर से पी बेस्ट वैल्यू को अपडेट किया जाएगा और फिर से ग्लोबल बेस्ट वैल्यू को अपडेट किया जाएगा। स्यूडो कोड अगर देखते हैं तो हम हर पार्टिकल के लिए एक लूप चला रहे हैं, पार्टिकल को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद सम इनिशियल वैल्यू, फिर हम एक लूप चला रहे हैं जब तक हमारा मैक्सिमम इटरेशन या हम फाइनल टारगेट तक नहीं पहुंच जाते। हर पार्टिकल के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर फिटनेस वैल्यू उसकी पी बेस्ट वैल्यू से, पर्सनल बेस्ट वैल्यू से बेटर है तो
हम पी बेस वैल्यू को करंट वैल्यू सेट कर दे रहे हैं, और अगर पी बेस वैल्यू जी बेस वैल्यू से बेटर है, यानी पिछली जो जी बेस, तो जी बेस वैल्यू को चेंज कर देंगे, जी बेस वैल्यू हमारी वो पी बेस वैल्यू हो जाएगी जो किसी भी एक पार्टिकल की सबसे अच्छी वैल्यू है, क्योंकि जी बेस वैल्यू ही इंडिकेट कर रही है कि हम टारगेट के कितने करीब हैं, और उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हर पार्टिकल के लिए हम पार्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और जी बेस वैल्यू और वेलोसिटी को यूज करेंगे अपडेट करने के लिए पार्टिकल के डेटा को। जी बेस वैल्यू और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही हमारा जो ओवरऑल डिसाइड होगा कि हम टारगेट के कितने करीब हैं। तो ये बेसिकली हमारा एल्गोरिथम है या स्यूडो कोड है, जो बहुत ही सिंपल है। हमें सिर्फ दो चीजों में ध्यान रखना है, पर्सनल बेस्ट वैल्यू को और ग्लोबल बेस्ट वैल्यू को। उसके बेसिस पे हम पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करके एवरी टाइम अलग अलग लूप्स में हम इसको चला के ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम अपने टारगेट के करीब पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, और हमें और कितना काम करना है। तो फाइनली ये हमारा जो पर्टिकुलर पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू हम रियल लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एक बेटर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, सेम एज वी डू विद जेनेटिक एल्गोरिथम्स। हालांकि दोनों में अपने कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को हम Part 3 वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन को यूज कर सकते हैं, और जेनेटिक एल्गोरिदम से किस तरीके से आपका पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन डिफरेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू वेरी मच।